हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप देखे थे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन को लिखा था और एक एक चीज उसकी बारीकियों को समझाया और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे कि इनको ट्राई करिएगा। आपको याद होगा कि इनके लिए आप लोग ट्राई करिएगा, ग्राफ कीजिएगा और इतना स्ट्रांग हो जाइएगा डायरेक्शन को लेके, न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके, टेंडिंग को लेके, एक्स में बात होके वाई में खींचने वाली बात को लेके और रिलेशन लिखने वाली बात को लेके आप इतने स्ट्रांग हो जाइए कि कहीं जरूरत पड़े तो आप चीजों को आराम से रियलाइज कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, इमेजिन कर सके कि चीजें क्या होने वाली हैं। चलिए खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। आप लोग खींच लिए होंगे तो उसको चेक करिएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू का खींचता हूं मैं ग्राफ। प्लस क्यू माइनस क्यू ग्राफ मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रहेगा और स्मॉल क्यू को चलाना है। फिर से मैं क्वेश्चन, बहुत सारे कई बार तो ये दिक्कत होती है कि बच्चे ग्राफ रटने टाइप का खींच रहते हैं, जानते हैं। पूछता हूं कि किस चीज का ग्राफ खींचे हो तो कह देते हैं फोर्स का। मैं कहता हूं किस पे फोर्स का, तो कहते हैं फोर्स का है किस पे क्या। मैं कहता हूं किसी पे होगा फोर्स, कह रहे हाँ तो है फोर्स तो क्या। मतलब बहुत वीक कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि ऐसे होता है कहीं देखे हैं मेमोरी बेस्ड, ये सब कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये समझना है कि वो क्या रहा है, वो क्या रहा है खींचना क्या। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दुनिया में जब फोर्स की बात होती होगी तो हमेशा वो किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर लगता होगा और कोई लगाने वाला होता होगा। कम से कम इतना तो कहीं भी होता है। सो ये नहीं कि फोर्स क्या क्यों है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एनीवे चलिए खींचते हैं। क्वेश्चन था कि यहां पे एक प्लस क्यू है और यहां पे एक माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी डी है और हम लोगों को क्वेश्चन को समझो पहले, ये नहीं कि कुछ भी खींचने लगे। एक स्मॉल क्यू चार्ज, क्यू चार्ज स्मॉल क्यू को हम लोग यहां से लेकर यहां तक चला रहे हैं, फ्रॉम माइनस इंफानाइट टू प्लस इंफानाइट तक चला रहे हैं और हम लोगों को ग्राफ खींचना है। ये क्वेश्चन फोर्स का, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा। चलिए डिसीजन हो चुका है, जल्दी से मैं ग्राफ खींचता हूं। ये एफ है, ये भी एफ है, यहां भी एफ है, हर जगह एफ होता है, ठीक है। इधर माइनस एफ होता है, आप लोगों को जानना चाहिए, बात हो चुकी है। चलिए फटाफट जानने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था। जो सेंटर्स हैं, जो सोर्स, इनफाइनाइट सोर्स है फोर्स और फील्ड सब प्रोड्यूस करने वाला चार्ज सेंटर डॉट है, उनके करीब में बात कर लेते हैं। इसको लेके चलते हैं यहां पर, इसको लेके चलते हैं यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, थोड़ा बीच में आ गया और उधर करें खींचेंगे। ध्यान सुनो, जब मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा, यहां पर करीब में, मैं आपको थोड़ा दूर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये इसको रिपेल करेगा, प्लस है ये इसको रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो उधर फोर्स लगाएगा और उधर लगाएगा यदि ये इधर लगाएगा तो बताओ प्लस फोर्स होगा कि माइनस कहा जाएगा। बताओ फोर्स इधर लगाएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा। आपको पता है इधर प्लस होता है, अब बताओ प्लस है तो फोर्स ऊपर बनाओ
क्योंकि वाई का फोर्स बनाना है तो ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, तो क्योंकि आप प्लस कहे तो ऊपर ही बनाएंगे। और एक और चीज है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट दिखाने का तरीका जानते हो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आइडिया लगा रहा हूं अभी, यहां पर इनफाइनाइट फोर्स और प्लस, प्लस का मतलब ऊपर। ध्यान सुनो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है मैं यहां देखूं, अच्छा कहीं भी नेट फोर्स तो सबका होगा, तो जब यहां पे फोर्स लेंगे तो इसके द्वारा इनफाइनाइट ये भी फोर्स लगाएगा, खींचेगा माइनस है ना, तो अपनी तरफ खींचेगा प्लस को इधर इसको, पर ये लिमिटेड है इसलिए इनफाइनाइट की जगह उसको देख नहीं रहे हैं। अब यहां पे अब बताओ ये प्लस है यहीं पर रखे हुए हैं और ये माइनस है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा कि रिपेल करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये यहां पे रखे हुए हैं, तो बताओ ये प्लस है ये माइनस है, तो अपनी तरफ खींचेगा कि रिपेल करेगा, तो आंसर है अपनी तरफ खींचेगा। तो जरा डायरेक्शन देखो तो इस पे फोर्स उधर खींच रहा है, तो फोर्स उधर है, यदि फोर्स उधर है तो प्लस है कि माइनस है, प्लस है, इनफाइनाइट तो है ही, वैल्यू के क्यू क्यू बाई दूरी जीरो स्क्वायर, जीरो दिख नहीं रहा है सता दो, तो खींचेगा फोर्स, प्लस है कि माइनस है, तो इधर है तो प्लस है, प्लस मतलब नीचे बनाए कि ऊपर बनाए, ऊपर बनाए, और वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कैसे दिखाते हैं आपको पता है, ऐसे थोड़ा सा आइडिया बीच में ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आइडिया बीच में भी ले लेते हैं। हमको बताओ कि यदि q यहां पर रहेगा तो फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताओ कि फोर्स जब चार्ज यहां पर रहेगा तो नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा, कितना होगा। चलो यदि इनके बीच की दूरी d है तो अपने आप में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि यहां पे फोर्स कितना होगा ना। तो ये देखो इसके द्वारा फोर्स इधर होगा, इसके द्वारा फोर्स इधर होगा, ये रिपेल करेगा इसको, और ये देखो माइनस क्यू है तो भी खींचेगा, दोनों एक ही तरफ होंगे। फिर समझो यदि क्यू चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको, तो उधर होगा, और ये इस पे क्या करेगा, खींचेगा अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ लगाएगा टुवर्ड्स, और दोनों वैल्यू ये हो जाएगा। एफ नेट जानते हो कितना होगा, एफ नेट होगा दो गुना टू एफ, इसका भी एफ और इसका सिमेट्री है, के क्यू क्यू दूरी बताओ डी बाई टू स्क्वायर, नीचे चार हो जाएगा ऊपर जाएगा आठ, एट क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, एट क्यू क्यू। पर जरा देख के बताओ फोर्स प्लस है कि माइनस है, पर ये बताओ इधर है कि इधर है, तो आप कहेंगे इधर है, अच्छा इधर है तो प्लस है कि माइनस है, तो कहोगे प्लस है, फोर्स में बताओ ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, तो कहोगे ऊपर बनाइए, ये देखिए ऊपर है यहां वैल्यू, और यही है एट क्यू के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। अब हमें आगे लग गया है, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होगा, यहां पे मिनिमम होगा पर जीरो नहीं होगा, फिर जैसे जैसे पास जाएंगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और किसी भी चार्ज के पास में जाने पर इनफाइनाइट फोर्स होता है, लेकिन इनफाइनाइट है, और ग्राफ ये है, ये है ग्राफ। अब रही बात इस साइड बनाने की, मैं एक्सप्रेशन लिखवाना भी सिखा दिया हूं, आप अपने से लिख भी लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि आप लिख पाते हैं कि नहीं। रही बात इधर इधर ग्राफ बनाने की, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, इस क्यू चार्ज को मैं इधर रखा क्योंकि इस क्यू चार्ज को यहां चलाना है, यहां चलाना है, यहां चलाना है,
चला चला कर देखना है कि फोर्स किधर लग रहा है, कितना लग रहा है, ग्राफ ऊपर बनाए कि नीचे बनाए और ग्राफ खींचना है। चलिए यहां लिखते हैं, जब स्मॉल क्यू चार्ज को मैं यहां रखूंगा तो बताइए प्लस क्यू रिपेल करेगा कि नहीं, प्लस क्यू प्लस क्यू खींचेगा कि रिपेल करेगा, पता चला कि रिपेल करेगा मतलब इधर फेंकेगा, लेकिन ये वाला इसको खींचेगा लेकिन करीब में इसका इतना ज्यादा है कि इसका फोर्स वोर्स बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दे इसको फिलहाल। ये वाला इस पे इसको रिपेल करेगा, सोचो जरा रिपेल करेगा, रिपेल मतलब इधर की इधर, इस पे इधर प्लस की माइनस, तो उधर प्लस होता है इधर माइनस, माइनस मतलब ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, तो कहोगे माइनस मतलब नीचे बनाए, नीचे बनाएंगे। अच्छा और इनफाइनाइट बनाना है क्योंकि टेंडिंग जो जीरो दूरी है, ये देखो हल्का हल्का दूर जाओगे फोर्स कम होगा, दूर जाओगे फोर्स कम होगा, दूर जाओगे फोर्स कम होगा, और ग्राफ ऐसे होगा और इनफाइनाइट जाने पे देखो जीरो हो रहा है, ये समझना है। जरा ध्यान से सुनना, अब इस क्यू चार्ज को अब यहां पे देखेंगे, यहां पे क्यू चार्ज को मैं यहां ले गया, इस फोर्स को छोड़ो क्योंकि इसके करीब में इतना बड़ा फोर्स है कि छोड़ो सोचने की जरूरत नहीं है। इस Q चार्ज को जब मैं यहां रखूंगा Q चार्ज को, तो ये माइनस Q इसको खींचेगा टुवर्ड्स की अवे रिपेल करेगा, ये इसको खींचेगा कि रिपेल करेगा, तो माइनस Q है प्लस Q को खींचेगा, खींचेगा मतलब इधर लगाएगा कि उधर लगाएगा, तो कहोगे इधर लगाएगा, मैं कहूंगा इधर प्लस होता है कि माइनस होता है, तो कहोगे माइनस होता है, मैं कहूंगा माइनस होता है तो फोर्स को नीचे बनाए कि ऊपर बनाए, तो कहोगे माइनस है तो नीचे बनाइए, और नीचे बनाइए तो मैं हल्का सा ऐसे ऐसे करूंगा, और क्योंकि इनफाइनाइट फोर्स तो है, इनफाइनाइट दिखाने का तो यही तरीका होता है। ठीक है, दूर जाओगे, दूर जाओगे तो फोर्स कम होगा, दूर जाओगे तो फोर्स कम होगा, दूर जाओगे तो फोर्स कम होगा, और दूर जाओगे तो फोर्स कम होगा, इनफाइनाइट दूर चले जाओगे तो दोनों का फोर्स जीरो हो जाएगा और ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि हमें तो इसका आइडिया था ही। अब रही बात देखने की, तो फिर से उसी तरह की बात करूंगा मैं कि जो दिख रहा है, जो मैं एरो का जो लेंथ दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि फोर्स ऊपर नीचे लग रहा है, ये मत समझना कि फोर्स ऊपर नीचे लग रहा है, बल्कि इसको समझने की जरूरत ये है कि नीचे की तरफ ग्राफ है, नीचे की तरफ ग्राफ है तो फोर्स निगेटिव मतलब इधर है, और फोर्स प्लस की तरफ ग्राफ है इसका मतलब इधर है, तो ये विडंबना है। आपको पता है कि इस तरह के ग्राफ क्यों कठिन होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना मैग्नेटिज्म में भी भरा हुआ है, पूरे फिजिक्स साइंस में पूरा भरा हुआ है, इसलिए कठिन होता है खींचना समझना, क्योंकि फोर्स देखना होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, डायरेक्शन होता है या तो इधर और या तो इधर, और खींचना होता है वाई एक्सिस पर, या तो ऊपर या तो नीचे ग्राफ होता है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी जो किसी भी चैप्टर में आ सकती है, तो क्या ध्यान रखोगे तो तुमसे गलत नहीं होगा, ध्यान ये रखना कि जब भी किसी क्वांटिटी का ग्राफ खींचना हो किसी के अगेंस्ट, तो पहले एक्सिस बना लेना एफ और टी वी एक्स एम ए जो मन में आएगा, चाहे कुछ भी यहां पे भी, और उसको रियलाइज करने की कोशिश करना कि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन माने हो कि नहीं। तो सबसे पहले जरूरत है दिमाग में रखने की कि इधर है तो प्लस है, और इधर है तो माइनस है, और प्लस है तो ग्राफ ऊपर ही होगा, प्लस है तो ग्राफ ऊपर ही होगा, और यदि माइनस है, माइनस है तो ग्राफ नीचे होगा। यदि ये ख्याल करोगे मैग्नेटिज्म में भी, करंट में भी,
वेलोसिटी एक्सलरेशन मोमेंटम फोर्स इंपल्स सिंगुलर वेलोसिटी टॉर्क जहां पे जरूरत है यदि आप ध्यान देंगे तो आप खींच पाएंगे आसानी से। तो चलिए आज फिर से इस एक्सप्लेनेशन में काफी ज्यादा टाइम लग गया और बाकी आप ग्राफ आप बनाइए। तब तक के लिए मैं आप तो हमको लगता है कि काफी ज्यादा आइडिया लग गया होगा, तो बाकी सारे ग्राफ को आप बनाइए। अच्छा हाँ, एक और काम करता हूं, एक और ग्राफ जो अजीब सा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का है, साइन जो है वो तो है ही, उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि आप आसानी से चीजों को बना सके। एक और चीज है, यदि मैं इसमें माइनस का ग्राफ बनाता तो कैसा बनता? यदि मैं कहूं कि जो डार्क लाइन है ये जो थर्ड चार्ज को चला रहे थे इसके लिए है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, हम माइनस क्यू चार्ज चलाएंगे, इस पे हम माइनस क्यू चलाएंगे, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, और जो ये चार्ज है उसको हमें माइनस वाला चलाना है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ग्राफ वाई पे खींचना है। यदि ऐसा है तो जो इधर है उसका मिरर इमेज नीचे हो जाता है, जो नीचे है मिरर इमेज ऊपर है, और जो नीचे है मिरर इमेज ऊपर है। तो जहां पे भी फोर्स का ग्राफ क्यू के लिए जो कुछ होता है सारा उलट जाता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मिरर लगा के यहां से देखा जा रहा हो। और फटाक से ग्राफ खींच देता हूं, माइनस के लिए बीच वाला ग्राफ ये होगा, ये ग्राफ हुआ, मतलब माइनस के लिए जो डैश डैश वाली लाइन है, मतलब यदि मैं कहूं कि ये किसका ग्राफ है तो आप कहेंगे प्लस क्यू का, मैं कहूंगा ये किसका ग्राफ है तो कहेंगे प्लस क्यू पर फोर्स का है, मैं कहूंगा ये किसका ग्राफ है तो कहेंगे प्लस क्यू का है, लेकिन ये ग्राफ किसका है तो ये है माइनस क्यू का, ये ग्राफ किसका है माइनस क्यू का, और ये ग्राफ किसका है माइनस क्यू का। आपका मन करता है तो आप अलग से बना सकते हैं, और नहीं तो ठीक है रहने दीजिए। तो चलिए एक और ग्राफ छोटा सा खींचते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ग्राफ बना लीजिएगा और देखिए किस तरीके से प्लस क्यू के लिए अलग और माइनस क्यू के लिए चीजें अलग हो जाती हैं या आपके सामने है। यदि ग्राफ ये बनाना पड़े, आप लोग देखे होंगे एक ग्राफ में दिया था क्यू और एक ग्राफ दिया था 4q, आप लोग देखे होंगे। यदि इसका ग्राफ बनाना पड़े तो आप देखिए कैसे मैं सोचता हूं प्लस क्यू को चलाना है, प्लस क्यू को मैं कैसे सोचता हूं, जब मैं यहां सोचूंगा कि यहां पे प्लस क्यू है प्लस क्यू, तो रिपल्सन प्लस होगा क्योंकि इधर है अब प्लस होगा तो ऊपर, जब मैं यहां पे रखूंगा तो इसके द्वारा माइनस, इधर देखो इधर रिपल्सन होगा इस चार्ज पर, थर्ड चार्ज यहां पर इधर होगा माइनस, लेकिन बीचों बीच जीरो नहीं होगा। यदि मैं क्यू को इसको यहां पर रख दूं तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जितना ये फोर्स लगाएगा उससे ज्यादा ये फोर्स लगाएगा, जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा, दूरी सेम है, मैग्नीट्यूड इसका कम है इसका ज्यादा है, ये इस पे इधर रिपल करेगा ये इस पे इधर रिपल करेगा, लेकिन इसका बड़ा होगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है, यही रीजन है जीरो तो होगा पर इधर कहीं होगा। तब ग्राफ हमारे पास ये आइडिया था, हमारे पास ये आइडिया है और ग्राफ का ये होगा, ये ग्राफ।
यदि हम लोग यहां पे मैं सोचूं कि यहां पर कैसा होगा, तो ये देखो ये रिपल करेगा, ये तो रिपल कर ही रहा है, लेकिन इसका इनफाइनाइट होगा, इधर की तरफ फोर्स होगा, इनफाइनाइट होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, उधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, रिपल्सन माइनस, माइनस मतलब नीचे की ऊपर, नीचे आइडिया, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, और कम होते होते इंसान से जीरो हो जाएगा। यहां सोचो जब यहां पे एक थर्ड चार्ज यहां पे रखोगे जिसपे फोर्स की बात करनी है, इसके द्वारा रिपल्सन होगा, अवे प्लस प्लस, अवे प्लस माइनस टूवर्ड्स, अवे तो उधर फोर्स ये भी लगा ही रहा होगा, इधर प्लस की माइनस, तो इधर तो प्लस ही होता है, इधर होता तो माइनस होता, प्लस प्लस इनफाइनाइट, वाई इनफाइनाइट टेंडिंग टू जीरो दूरी, प्लस इनफाइनाइट तो प्लस ऊपर की नीचे, ऊपर दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा फोर्स, और ये ग्राफ होगा। तो अब देखिए किस तरीके से थोड़ा सा शिफ्टेड है, बीच में जीरो नहीं था, थोड़ा इधर था ताकि इसके इसका फोर्स थोड़ा बढ़ जाए और इसका घट जाए और ताकि बैलेंस हो जाए, तो थोड़ा सा इधर होगा। हम लोग इसको निकाले भी थे, याद होगा तो शायद आप लोगों को डी बाई थ्री दूरी होता है और ये 2D/3 होता है, यदि याद होगा तो, ये भी समझना बहुत जरूरी था ये लिखना कि क्या है, तो बहुत जरूरी है कहीं यही ना भूल जाओ, फोर्स है, फोर्स अगेंस्ट पोजीशन ऑन लाइन ज्वाइनिंग। अगली बार आप ग्राफ खींचिएगा, खींच के लेके आइएगा, हम देखेंगे। बाकी मैं बहुत सारा ग्राफ दे दिया हूं आपको सोचने के लिए, और ग्राफ खींचते रहिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट में लिखिएगा, जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे कभी और, जब ये कोर्स इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मैं काफी डीप में आपको समझाने की कोशिश किया। ये बहुत कठिन ग्राफ अगला वाला है, यदि ये क्यू हो और ये +4q के बजाय -4q हो, जो मैं क्वेश्चन में दिया हूं, तो आप उन सबको करिएगा, और गलत होने का काफी ज्यादा चांस है, क्योंकि मैं शायद ही किसी को सही करते हुए देखा हूं। तो अगले में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग ग्राफ खींच के लेके आइएगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।